गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। और जो वीडियो भेज रहे हैं वो अच्छी तरह से देख के अपना वर्क भी कंप्लीट कर रहे हो। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फोर में मैथ्स। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड फोर में मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। मैंने उसका फ़ोटो भी सेंड कर दिया। आई होप आपने भी कंप्लीट कर ली है। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी इसके कंप्लीट करने में आती है आपको, तो आप स्कूल के नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। अभी हम देखेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक, जो है 1.3 के बाद का टॉपिक, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट। मीन्स जो हमें डिजिट दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं, उसमें से हमें ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा नंबर बनाना है। सेम डिजिट कैन बी यूज टू बिल्ड मैनी नंबर्स। मीन्स हम एक डिजिट का यूज़ करके बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। हाउएवर ओनली वन विल बी द ग्रेटेस्ट एंड ओनली वन विल बी द स्मॉलेस्ट। जो हमने बहुत सारे नंबर बनाए हैं उसमें से कोई एक होगा वो सबसे बड़ा होगा और कोई एक होगा वो सबसे छोटा होगा। टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर वी नीड नॉट फर्स्ट राइट ऑल ऑफ देम एंड देन कंपेयर। जब हमें ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है और सारे नंबर लिख के उसके कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे। हम सिर्फ ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हैं। इन इफ़ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, मीन्स जो सारे नंबर्स दिए गए हैं उसका रिपीटेशन अगर हमें नहीं करना है तो कैसे हम नंबर बनाएंगे? टू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर वी राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो हम सारे डिजिट्स मीन्स सारे जो नंबर दिए गए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको नंबर दिया है यहाँ पे, इस 2045, इस नंबर का यूज़ करके आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? बिग टू स्मॉल। मीन्स यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसमें से बिग मीन्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है, 0 है, 4 है या 5 है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 5 है। तो नंबर जब बनाएंगे तो 5 से स्टार्ट करेंगे और अब बीच में कोमा नहीं लिखेंगे। फिर उससे थोड़ा छोटा नंबर 4, उससे थोड़ा छोटा नंबर 2 और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ये इस नंबर का यूज़ करके ये हमने सबसे बड़ा नंबर बना लिया। क्या किया हमने? सिर्फ सारे जो नंबर थे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ओके, टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर वी राइट द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इफ़ वी डोंट हैव 0 एज वन ऑफ द डिजिट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो नंबर दिया था उसमें एक 0 था। क्या नंबर था? 045। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मीन्स क्या है? स्मॉल टू बिग, मीन्स सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करके सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। पर जीरो होगा तब क्या करेंगे? जीरो नहीं होगा तो वो करेंगे हम जो मैंने अभी बोला कि स्मॉल से बिग मीन्स सबसे छोटे से स्टार्ट करके सबसे बड़ा नंबर। पर यहाँ जीरो सबसे छोटा है तो वो ये रूल है वो हमें काम में नहीं आएगा, क्योंकि जीरो से कोई भी नंबर हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जो सिंगल डिजिट होते हैं वो हम शायद जीरो से लिखेंगे, जैसे 01, 02, 03 कभी ऐसा लिखते देखा होगा। पर क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे मैंने 245 लिखा, 0245? हम ऐसे नहीं लिखते, हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि 245 लिखना है तो हम सिर्फ 245 ही लिखते हैं, आगे जीरो नहीं लगाते हैं। ओके, तो अगर हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है इस चार नंबर का यूज़ करके, तो पहले हम जीरो नहीं ले सकते, इसलिए पहले जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर होता है उससे हमें स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ जीरो से थोड़ा नंबर बड़ा 2 है, फिर जीरो लिख सकते हो आप, फिर 4 है और सबसे बड़ा 5 है। तो ये नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर बन गया। ओके, वो आपको इस एग्जांपल में भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी एग्जांपल है 22, 4, 5, 1, 7, 6 का यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट का मैं यहाँ पे जी लिखूंगी और स्मॉलेस्ट का एस। अभी ये जो सारे नंबर है इसका यूज़ करेंगे। तो ग्रेटेस्ट में यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 4, 5, 1, 7, 6 में सबसे बड़ा है 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, 7, 6, 5, उसके बाद 4 और सबसे लास्ट में आएगा 1।
तो ये बन गया हमारा सबसे बड़ा नंबर। अभी सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1, फिर उससे थोड़ा बड़ा 4, उससे थोड़ा बड़ा 5, उससे थोड़ा 6, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 7। और इसको आप क्या कर सकते हो, जब जीरो नहीं आता, यहाँ पे क्वेश्चन में जीरो नहीं है, तो क्या कर सकते हो, ये जो बड़ा नंबर बनाया है इसका उल्टा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लास्ट में 1 था तो हमने पहले 1 लिख दिया, फिर 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें एक जीरो है, तो हमें पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ओके, ग्रेटेस्ट का जी और स्मॉलेस्ट का एस। तो ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो इन सारे जो नंबर है, एक बार मैडम जूम आउट कर दो, 4, 0, 1, 7, 6, 9, ये जो सारे नंबर है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगी 9, उससे थोड़ा छोटा 7, उससे थोड़ा छोटा 6, 9, 7, 6। अब इससे 6 थे थोड़ा छोटा 4, 1 एंड 0। ये देखो ये जो नंबर बन गया है वो है ग्रेटेस्ट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट नंबर को लिखने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर को लिखने के लिए जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा दिया गया है यहाँ पे, 1। तो पहले 1 लिख लेंगे, बाद में 0 लिख सकते हैं। 1, 0, 4, 6, 7, 9। देखो ये 1, 0 था ना, वो हमने पहले लिख लिया, फिर उल्टा 4, 6, 7, 9, 4, 6, 7, 9। तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। जब रिपीटेशन कर सकते हैं तब क्या करेंगे, तो टू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर वी रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स एज द नंबर ऑफ डिजिट इज रिक्वायर इन द नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर दिया गया होगा हमारे क्वेश्चन में, उसको हम जितनी बार बोला गया है उतनी बार लिख देंगे। जैसे 4 डिजिट का नंबर बनाने को लिखा है कि आपको 4 डिजिट का नंबर, ये सारे नंबर को यूज करके, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 9, 6, 5, 2, तो यहाँ पे इस नंबर का यूज़ करके आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का। ओके, 4 डिजिट, तो क्या करेंगे आप लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, तो सबसे बड़ा इन चार में से कौन सा नंबर है, 9। कितने नंबर का डिजिट बनाना है, 4 डिजिट का, तो मैं यहाँ पे 4 बार 9 लिख दूंगी, और मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा कौन सा है। जैसे हमने ऊपर वाले टॉपिक में देखा, रिपीटेशन जब अलाउड होगा तब हम जो भी बड़ा या जो भी छोटा नंबर दिया गया है उसको जितनी बार बोला गया है उतनी बार लिख देंगे। ओके, जैसे हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24 में, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 4, 2, 3, 7 एंड 5। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ओके, तो हमें कितने नंबर का डिजिट बनना, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। 5 डिजिट मीन्स हमें 5 बार लिखना है, जो भी नंबर हम लिखेंगे उसे 5 बार लिखना है। तो यहाँ पे 4, 2, 3, 7 एंड 5 में बड़ा नंबर कौन सा है, 4, 2, 3, 7 एंड 5, तो उसमें बड़ा नंबर है 7। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर में हमने क्या किया, 5 बार 7 लिख दिया। ओके, अभी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो 4, 2, 3, 7, 5 में सबसे छोटा कौन है, 2, तो 5 बार 2 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अभी नेक्स्ट, जब 0 होगा तो क्या करेंगे, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 5, 7, 0, 3, 6 एंड 9। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ओके, तो जब हमें ये नंबर 0 आता है तो क्या करेंगे इसमें, तो पहले तो ग्रेटेस्ट बनाने में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है जब 0 आता है तो भी, तो ग्रेटेस्ट बनाने में कौन सा बड़ा है 5, 7, 0, 3, 6 एंड 9 में, 9 बड़ा है, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का, तो 6 बार 9 लिख देंगे, 1, 2, 3,
4, 5, 6 ये बन गया सबसे बड़ा नंबर। अभी छोटा बनाना है तो सबसे छोटा तो ज़ीरो है, तो हम हर बार ज़ीरो तो नहीं लिख सकते, तो ये तो कोई नंबर ही नहीं हुआ। तो क्या करेंगे कि अभी ज़ीरो से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है 5, 7, 0, 3, 6, 9 में, ज़ीरो से थोड़ा बड़ा नंबर है 3, तो एक बार 3 लिखेंगे। अभी 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5 बार 0 लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया सबसे छोटा नंबर। कैसे करना है छोटे नंबर में, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर पहले देखना है क्वेश्चन में, 0 से यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा नंबर है 3, तो पहले मैंने एक बार 3 लिख दिया, सारे 3 नहीं लिखने वरना वो बड़ा नंबर बन जाए, बड़ा मीन्स ये स्मॉलेस्ट सबसे बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं बनेगा, एक बार ही 3 लिखना है। फिर 6 डिजिट का नंबर बनाना था तो एक बार 3 लिख दिया, तो अभी कितने डिजिट चाहिए, 5, तो 5 बार 0, ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, तो आपको भी मेरे साथ लिखनी है और इसका फोटो भी मैं सेंड कर दूंगी। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, मीन्स यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करना है, सारे डिजिट एक बार ही यूज करना है। तो यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट बनाऊंगी, तो ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे और स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे वो मैं आपको एक नंबर में दिखाती हूँ। एक जो नंबर है वो आपको ट्राई करना है पहले होमवर्क में, फिर अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ भी सकते हो कॉल या मैसेज करके, और मैं फ़ोटो भी भेजूंगी तो आप उसमें देख भी सकते हो, ओके। तो अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए इन 5 नंबर है, 5 नंबर में से हमें 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो जो सारे नंबर है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये 5 डिजिट में से सबसे बड़ा कौन है, 7, 6, 3, 8, 1 में से 8 है बड़ा सबसे, तो यहाँ पे पहले 8 लिखेंगे। अब 8 से थोड़ा छोटा नंबर है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर 7 से थोड़ा छोटा है 6, 6 से छोटा है 3, और लास्ट में सबसे छोटा है 1। तो ये जो नंबर हमारा बन गया वो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे, जब 0 नहीं आता है क्वेश्चन में तब हम क्या कर सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर में, ये जो नंबर दिया हमने लिखा अभी उसका हम उल्टा लिख देंगे, मीन्स 1, 3, 6, 7, 8, तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा नंबर। पर ये जब हम 0 नहीं आता है तभी कर सकते हैं, ओके। 0 आता है तब हमें पहले क्या करना होगा, पहले उससे थोड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे, बाद में 0 लिख देंगे, ओके। तो ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, यू मे रिपीट। यू मे रिपीट द नंबर, मीन्स यहाँ पे जो नंबर है हम उसे रिपीट कर सकते हैं, जो हमें डिजिट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है उसमें सारे नंबर हम रिपीट कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट बनाएंगे और स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, 3, 2, 7, 1 में 7, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है 5 डिजिट का, तो मैं यहाँ पे सारे 7 लिख दूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये बन गया सबसे बड़ा नंबर, 5 डिजिट का है इसलिए मैंने 5 बार लिखा, और 7 सबसे बड़ा है इसलिए मैंने 7 5 बार लिख दिया। अभी स्मॉलेस्ट बनाना है, तो इन 5 नंबर में से सबसे छोटा कौन है, 1, तो 5 बार लिखेंगे 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। जब रिपीट करना होता है, रिपीट द डिजिट, रिपीट द डिजिट मीन्स आप सारे डिजिट का यूज नहीं करोगे, जो सबसे बड़ा है या जो सबसे छोटा है वो ही लिख दोगे, ओके। इसमें भी अभी आप सेम करोगे, पहले मैं रिपीट नहीं करना था, देखो ईच डिजिट ओनली वंस, ओनली वंस मीन्स जो सारे नंबर थे वो एक ही बार यूज करते, तो हमने सारे नंबर का यूज करके एक नंबर बनाया था, यहाँ पे रिपीट द डिजिट लिखा था मीन्स हमने जो एक नंबर सबसे बड़ा था और एक नंबर सबसे छोटा था वही 5 बार लिख दिया, ओके। ये आप करोगे,
ओके नेक्स्ट, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स गिवन बिलो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मीन्स यहाँ पे रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो मैं ये जो जीरो वाला नंबर है वो आपको सिखा रही हूँ, ये जो नंबर है वो आप ट्राई करोगे। ओके मैक, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट बिलो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मीन्स यहाँ पे हम रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला आप लोग ट्राई करोगे, फोटो तो मैं भेजूंगी, आप देख सकते हो बाद में से। उसमें मैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर यहाँ पे बनाऊंगी, ग्रेटेस्ट का जी और स्मॉलेस्ट का एस। ग्रेटेस्ट रिपीटेशन नहीं करना है, मीन्स सारे नंबर एक एक बार लिखेंगे। तो पहले सबसे बड़ा कौन है इन सारे नंबर में से, सेवन, तो यहाँ पे लिखूंगी सेवन, फिर उसके बाद सिक्स, फिर उसके बाद क्या आता है, फोर, थ्री, टू, ज़ीरो, फोर, थ्री, टू, ज़ीरो। अभी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, पर ज़ीरो है तो क्या करेंगे, पहले नहीं लिखेंगे, पर ज़ीरो से थोड़ा बड़ा नंबर है टू, जैसे यहाँ पे ट्वेंटी है तो वो ऐसे ही लिख देंगे ट्वेंटी, फिर उसके इसके बाद का जो नंबर है वो उल्टा लिख देंगे, थ्री, फोर, सिक्स, सेवन। देखो सेवन, सिक्स, फोर, थ्री, टू, ज़ीरो, फिर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया पर टू, ज़ीरो, थ्री, फोर, सिक्स, सेवन। ओके ये हमने बना लिया, आपको वो नंबर का बनाना है। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट बिलो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। मीन्स रिपीटेशन कर सकते हैं, अगेन मैं यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन है वो नहीं करवाऊंगी, वो आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, बी वाला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो हम करेंगे, तो ये क्या होगा, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, उसके पहले हमें क्या करना है, रिपीटेशन कर सकते हैं, तो रिपीटेशन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नाइन, कितनी बार लिखेंगे, सिक्स बार, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, मैंने सारे नाइन लिख दिए। ओके ये हो गया रिपीटेशन अलाउड वाला नंबर, वो नहीं, नो, जब अलाउड नहीं था तब हम सारे नंबर का यूज़ कर सकते थे, ये हो गया रिपीटेशन अलाउड वाला नंबर, तो हम यूज़ नहीं कर सकते, एक ही नंबर का यूज़ करेंगे। फिर सबसे छोटा नंबर ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो नहीं लिख सकते हम हर बार। ओके तो क्या करेंगे, हम ज़ीरो से थोड़ा बड़ा नंबर, मीन्स यहाँ पे वन है, पहला वन लिख देंगे। अब कितने नंबर बनाने हैं, सिक्स, सिक्स नंबर बनाने हैं, तो हम वन तो लिख दिया है, तो अब कितनी बार ज़ीरो लिखेंगे, पांच बार, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ये बन गया सबसे छोटा नंबर, ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ओके बच्चों, तो आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, आई होप आप सबको समझ में आ गया है, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है होमवर्क में। थैंक यू बच्चों, बाय।